नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, मोटापा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अपना फैट कम करने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन दोस्तों शरीर का फैट कम करने के लिए तो ना जाने किस किस तरह की डाइट्स और एक्सरसाइजेस हमें देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी डबल चिन कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज या नुस्खे सुने हैं? नहीं ना, इसीलिए तो आज के इस पैकेज में मैं आपको 10 मिनट में डबल चिन से छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहला तरीका है टंग प्रेस। सबसे पहले आप अपनी पीठ को सीधा करते हुए सही पोजीशन पर बैठें और अपने मुंह को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते जाएं और गर्दन को यहाँ वहाँ करते हुए ऊपर छत की ओर देखते रहें। इससे अंदर की जीभ को भी यहाँ वहाँ हिलाएं और इस प्रकार से गर्दन को नीचे करते हुए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। इससे आपकी डबल चिन कम करने में सहायता मिलेगी। दूसरा तरीका है जीभ बाहर निकालना। सबसे पहले आप अपनी पीठ को सीधा करते हुए सही पोजीशन पर बैठ जाएं और अपने मुंह को चौड़ा करते हुए खोलें। इसके बाद जीभ को बाहर की ओर निकालें। करीब जीभ को 10 सेकंड के लिए इस स्थिति पर बाहर की ओर निकालते हुए रखें। इस व्यायाम को आप 10 बार दोहरा सकते हैं। तीसरा उपाय है उन्नतदार होंठ व्यायाम। सबसे पहले आप अपनी पीठ को सीधा करते हुए सही पोजीशन पर बैठ जाएं, फिर छत की ओर अपने चेहरे को उठाएं। उसके बाद आप अपने होंठों को बाहर की ओर करें। जिस प्रकार किसी को किस करते हैं, इस प्रकार से अपने होंठों को बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को 10 सेकंड तक इसी प्रकार करते रहें। 10 बार इस व्यायाम को जरूर करें। चौथा व्यायाम है गर्दन रोल करना। सबसे पहले आप अपनी पीठ के साथ रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी गर्दन धीरे धीरे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। प्रत्येक दिशा पर अपनी गर्दन को इसी प्रकार से घुमाएं। इस व्यायाम को भी आपको 5 बार करना होगा। दोस्तों, पांचवा तरीका है मछली का चेहरा बनाना। अपनी चिन को सही शेप में लाने के लिए आप अपने होंठों को मछली के आकार का बनाते हुए दोनों दिशाओं पर अपने होंठों को घुमाएं और इस प्रक्रिया को 10 सेकंड तक यूं ही रहने दें और कम से कम 10 बार इस व्यायाम को दोहराएं। छठा व्यायाम है सिर को झुलाना। सबसे पहले आप बिस्तर पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं और अपने बिस्तर के किनारे पर अपने सिर को लटकाएं, फिर अपनी ठोड़ी छाती की ओर ऊपर की तरफ ले आएं। 10 सेकंड के लिए इस प्रक्रिया को इसी प्रकार करते रहें और इस व्यायाम को भी 10 बार दोहराएं। सातवां व्यायाम है चारों ओर का व्यायाम। सबसे पहले होंठ रखते हुए अपनी गर्दन को छत की ओर ले जाकर सिर को धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएं, फिर दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ घुमाएं, जिससे वो ओ बन जाए। इस प्रक्रिया को लगातार 10 से 15 बार करें। दोस्तों, डबल चिन कम करने का सबसे आसान तरीका है च्युइंगम चबाना। ये एक प्रकार का व्यायाम ही है जो फैट को कम कर जबड़े और गाल की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करता है। इससे भी डबल चिन को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप अपने जबड़े को चारों ओर घुमाएं। पर दोस्तों, कोशिश करें कि आप शुगर फ्री च्युइंगम लें, जिससे आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़े ना। दोस्तों, च्युइंगम चबाने के भी 2 फायदे होते हैं। एक, जिससे हमारे शरीर की पाचन क्रिया ठीक होती है और साथ ही ये अंदर की चर्बी को फैलने से भी रोकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने चेहरे की डबल चिन को कम करना चाहते हैं तो हमारे बताए हुए इन उपायों को जरूर अपनाएं। हेल्दी, सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।